न्यूज युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। टोल प्लाजा पर टोल मांगने से पुलिस कर्मी की पत्नी हुई खफा। राजस्थान के कोटा जिले में सोमवार को मध्य प्रदेश पुलिस के पुलिस कर्मी पति की वर्दी के रूप में पत्नी ने दिखाई अपनी दबंगई। टोल पर की जमकर तोड़फोड़। उसकी यह तोड़फोड़ और दबंगई टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। ये मामला सिमलिया टोल प्लाजा से जुड़ा हुआ है। वहां सोमवार को मध्य प्रदेश पुलिस का हेड कांस्टेबल सुमन अपनी पत्नी के साथ मध्य प्रदेश जा रहा था। टोल कर्मियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मी की कार को रोककर टोल मांगा गया, तो इस पर दोनों पति पत्नी ने अपना रौब दिखाने शुरू कर दिया। लेकिन जब टोल कर्मी ने बिना टोल टैक्स दिए कार को निकलने नहीं दिया, तो पुलिस कर्मी की पत्नी का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया और इतना गुस्सा आ गया कि उसने कार में रखे डंडे से टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। इससे टोल कर्मी भी सख्ते में आ गए। वहीं गुस्साई पुलिस कर्मी की पत्नी तोड़फोड़ करती रही। वहीं पुलिस कर्मी ने भी आरोप लगाया है कि टोल कर्मियों ने उससे मारपीट की है और उसकी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। फिलहाल सिमलिया थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया थाने। वहीं इस संबंध में दोनों पक्षों ने भी एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया है मामला। हाथ उठा लिया वर्दी में। आगे बताओ, आप वर्दी लगाया हूँ, आपके ऊपर कोई हाथ उठा ले तो फिर आप क्या करोगे? गाड़ी नहीं, ये देखो लेडीज का हाथ पकड़ के ये कार्ड देख लो। और मैंने फास्ट टैग लगाया, फास्ट टैग से वो कर लो। फास्ट टैग लगा हुआ है? हाँ, गाड़ी में लगा ना। गाड़ी में लगा है? हाँ, पर्सनल गाड़ी है। ठीक है, फिर भी बदतमीजी से फिर भी वो गाड़ी निकालने दे रहे और आगे थप्पड़ मार रहे हैं। मेरे हस्बैंड को थप्पड़ मार दे, वो भी वर्दी में। सादार लोग उठे आ रहे हैं, उन्होंने मारा। सादार लोग आ गए थे। मेरा ससुराल है कोटा बड़गांव में। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग।